हेलो फ्रेंड्स, मैं एमके विजय, असिस्टेंट इंजीनियर रिटायर्ड। आज हम बीपीएनएल के हीरापुरा में जो आपका पावर ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप है, यहाँ से बोल रहे हैं। ये वर्कशॉप 1985 के अंदर जब 400 केवी सब स्टेशन बना, राजस्थान का पहला सब स्टेशन हीरापुरा के अंदर, उसी प्रोजेक्ट के तहत एक्चुअली ये हमारा रिपेयरिंग वर्कशॉप तैयार हुआ था। यहाँ 180/25 की एक ईओटी क्रेन लगी हुई है, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं। 1985 के बाद में कंटिन्यू यहाँ पावर ट्रांसफार्मर रिपेयर होते आ रहे हैं। इस वर्कशॉप के अंदर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी रहा, 2018 के अंदर जब हमने एक 100 MVA का ट्रांसफार्मर भी यहाँ रिपेयर किया। रेगुलर यहाँ पावर ट्रांसफार्मर रिपेयर होते हैं। इसी कंटिन्यूशन में एक 132 KV सुल्तानपुर का एक सब स्टेशन से 132/33/20/25 MVA का एक पावर ट्रांसफार्मर यहाँ रिपेयरिंग के लिए आया है। इसका इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो अभी आप जो पिक्चर देख रहे हैं वो आपका इंटरनल व्यू है, जिसको हम एक्चुअली अनटैंकिंग पार्ट कहते हैं ट्रांसफार्मर का, जिसके अंदर आपकी कोर होती है और कोर के ऊपर ये वाइंडिंग आपकी वाउंड की हुई है। आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये वाइंडिंग का जो सबसे बाहर वाला पार्ट है, इसको आप टेपिंग वाइंडिंग या रेगुलेटिंग वाइंडिंग कहते हैं अपन। इसके अंदर वाला पार्ट है वो एचवी वाइंडिंग का होता है, और एचवी वाइंडिंग के बाद अंदर का जो पार्ट है वो एलवी वाइंडिंग का होता है। एलवी वाइंडिंग के बाद जो हमारा है वो एक कोर का पार्ट है, जिसको अपन मैग्नेटिक कोर कहते हैं। तो मैग्नेटिक कोर के ऊपर ही ये वाइंडिंग जो है आपकी वो वाउंड की जाती है। ये बेसिकली सिलिंड्रिकल वाइंडिंग होती है, जिनको हम 1/1 इसके अंदर इंसर्ट करके, और जो भी पार्ट आपका डैमेज होता है उस पार्ट को हम रिप्लेस करते हैं। बेसिकली इसमें रिपेयर की गुंजाइश कम होती है। हमारे पास में बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स ऐसे हैं जिनकी स्पेयर वाइंडिंग ऑलरेडी हमने ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से परचेज की हुई है। जिस तरीके से हम ह्यूमन बॉडीज के जो पार्ट्स को रिप्लेस करते हैं अपन, इसी तरीके से अगर किसी भी ट्रांसफार्मर का कोई डैमेज पार्ट है, अगर उसी ट्रांसफार्मर के TN नंबर, जिसको टेंडर नंबर कहते हैं अपन, वोल्टेज कैपेसिटी अगर सेम है, पावर कैपेसिटी सेम है, और मैन्युफैक्चरिंग जो नेम है वो भी अगर सेम है, तो हम उसका ये एक तरीके का जस्ट लाइक ऑर्गन HV वाइंडिंग, LV वाइंडिंग या टेपिंग वाइंडिंग है, वो रिप्लेस करके हम ट्रांसफार्मर को रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करने के बाद में जब ये कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में हम इस ट्रांसफार्मर को वापस में टैंक कर देते हैं। टैंक करने के बाद में जब कंप्लीट इसकी टाइटिंग वगैरह सब हो जाती है, इसी ड्यूरेशन के अंदर इसका ओवरहॉलिंग का पार्ट आता है, जिसके अंदर सारे के सारे जो भी पार्ट्स हमने खोले थे वहाँ हम इनको सीलिंग करते हैं रबर राइज कॉकशीट से। उसके बाद में टैंकिंग होने के बाद में इसके अंदर ऑयल फिल किया जाता है। एक इसके बीच में जब ये वाइंडिंग हमारा रिपेयर किया जाता है किसी भी पावर ट्रांसफार्मर को, तो काफ़ी टाइम तक ये वर्कशॉप के अंदर एक्सपोज होकर रहता है। ऐसे केसेस के अंदर वाइंडिंग के अंदर जो भी आपके इंसुलेशन मटेरियल्स हैं, ये सेलुलोज बेस्ड होते हैं, जिनकी नेचर होती है कि एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की, तो इनके अंदर तक के पार्ट के अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है, और अगर वो मॉइस्चर पार्ट अगर एब्जॉर्ब होता है तो उससे इसकी जो स्ट्रेंथ है, बेसिकली इंसुलेशन प्रॉपर्टीज है, वो डे टू डे काफ़ी वीक हो जाती है। इसलिए इसको कंप्लीट वर्क होने के बाद में इसको ड्राई आउट करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम हाई टेम्परेचर वैक्यूम ड्राइंग चैम्बर कहते हैं। वहां इस पूरी की पूरी कोर एंड वाइंडिंग, जिसको अनटैंकिंग पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर कहते हैं, इसको हम एक टैंक के अंदर ले जाके रख देते हैं, जिसके चारों तरफ हीटर्स लगे हुए हैं, और वो हीटर्स वाला जो चैम्बर है टाइट करने के बाद में एक हमारा फिल्टर मशीन जो बाहर लगा हुआ है हमारा, उसके साथ में सेटअप किया होता है, और वहां हम उसको टेम्परेचर के बाद हीटर ऑन करते हैं। टेम्परेचर अगर हमारा 60 या 70 तक टेम्परेचर जाता है, और उसके बाद में वो साइकिल के बाद में जब टेम्परेचर हमारा अच्छी हो जाता है, उसके बाद में फिल्टर मशीन को ऑपरेट करके उसको वैक्यूम किया जाता है। तो जब टेम्परेचर अपन किसी वाइंडिंग को हीटिंग चैम्बर में रखते हैं, तो जो भी उसका जो मॉइस्चर है वो वेपराइज होने लगता है, वो वेपराइज होने की वजह से वैक्यूम उसको पूरा का पूरा सक कर लेता है, तो जो मॉइस्चर पार्ट है वो सक करके वापस मशीन के थ्रू बाहर एग्जॉस्ट हो जाता है। तो ऐसे 3 या 4 साइकिल हमें करने होते हैं, ताकि जो पेपर की इंसुलेशन प्रॉपर्टीज है
वो उसको मेंटेन किया जा सकता है, उसका टेन डेल्टा है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, और उसी के ऊपर ही एक्चुअली ट्रांसफार्मर की लाइफ डिपेंड करती है। जितना ड्राई ट्रांसफार्मर होगा उतनी ही उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में इस ट्रांसफार्मर को इसका ओरिजिनल जो टैंक है उसके अंदर टैंकिंग कर दिया जाता है ईओटी क्रेन के माध्यम से। इसको लिफ्ट किया जाता है क्योंकि इसका काफ़ी वेट होता है, करीब 30 से 35 या 40 टन तक का इसका वेट होता है। और चूंकि जब इसको अलाइन किया जाता है अनलोडिंग करने के लिए तो वर्टिलिटी होना जरूरी है, इसलिए ईओटी क्रेन ही इसके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है। ड्राइंग चैम्बर से जब हीटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में इमीडिएटली इसको टैंकिंग कर देते हैं। टैंकिंग करने के बाद में टॉप प्लेट वगैरह की सारी जो गैस्केट वगैरह जो हम ऑलरेडी पहले रिप्लेस कर चुके होते हैं उसके बाद में टॉप प्लेट रख के इसको टाइटिंग वगैरह कंप्लीट कर देते हैं। इसी बीच में जो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल है उसको जो बॉटम वाला फिल्टर वाल है उसके थ्रू इसके अंदर ऑयल फिल करना शुरू कर देते हैं। तो जो एक प्रॉपर लेवल होता है वहाँ तक ऑयल फिलिंग करते हैं, ऑयल फिलिंग करने के बाद में उसको रेस्ट पीरियड के लिए रख देते हैं। जब आपका जो भी हमारा इंसुलेशन मटेरियल है वो ऑयल जब उसके अंदर रेस्ट करता है तो वो सारा जो पेपर इंसुलेशन है वो उसके ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद में स्टेबल हो जाता है। स्टेबल होने के बाद में इसको हम फिल्टर ऑयल फिल्टर मशीन के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। तो ऑयल फिल्टर मशीन के अंदर एक्चुअली दो सिस्टम होता है, एक इनलेट का और एक आउटलेट का, और उसके साथ में इसका एक अपर फिल्टर वाल होता है एक लोअर फिल्टर वाल होता है, वहाँ वो दो पाइप हम कनेक्ट कर देते हैं। तो जो हमारी फिल्टर मशीन है वो 5000 पर लीटर के हिसाब से फिल्टर करती है, जो हाई वैक्यूम फिल्टर मशीन है। तो जैसे ही हम इसको प्रोसेस शुरू करते हैं तो हम इसका टेम्परेचर भी लेते हैं क्योंकि उसके अंदर हीटिंग चैम्बर बने हुए होते हैं और एक फिल्टर है और उसके बाद में हाई वैक्यूम प्लांट है वो चलता रहता है। ये हाई वैक्यूम फिल्टर मशीन कहलाती है। तो ये प्रोसेस हम करते हैं करीब 12 घंटे या 24 घंटे। उसके बाद में रोटेशन हम इसका चेंज कर देते हैं, जो इनलेट था वो आउटलेट बना देते हैं, जो आउटलेट है वो हम इसका इनलेट बना देते हैं। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में करीब 48 आवर्स के बाद में हम फिल्टर मशीन को स्टॉप करते हैं, और स्टॉप करने के बाद में फिर इसका कोई इंसुलेशन रेजिस्टेंस वगैरह अपन मेजर करते हैं। और एक ट्रांसफार्मर ऑयल है इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कहते हैं आपके ब्रेकडाउन वोल्टेज और एक वाटर कंटेंट्स, क्योंकि इसी प्रीमिसेस के अंदर हमारी ट्रांसफार्मर ऑयल का टेस्टिंग लैब भी है, बहुत स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग लैब है। वहाँ हम एक इसका सैंपल लेके भेजते हैं, सैंपल के बाद में वहाँ से जो रिजल्ट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि फिल्टर मशीन को हमें स्टॉप करना है या फर्दर कंटिन्यू फिल्ट्रेशन पे इस ट्रांसफार्मर को चालू करना है। ये कंप्लीट जब काम हो जाता है उसके बाद में ट्रांसफार्मर को हम सील करके पैक कर देते हैं। इसके बाद में आता है आपका टेस्टिंग का पार्ट, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर हमारे जब रिपेयर हो जाता है, रिपेयर होने के बाद में हम उसकी रिपोर्ट्स आगे सबमिट करते हैं तब इसका डाइवर्जन निकलता है। लेकिन डाइवर्जन निकलने से पहले हम इसके सारे के सारे टेस्ट जिनको करीब करीब हम प्री कमीशनिंग टेस्ट करते हैं वो इन हाउस हम कराते हैं, क्योंकि अभी रिसोर्सेज हमारे पास इतने नहीं है। तो चूंकि हमारे जयपुर के अंदर ही प्रोटेक्शन विंग काफ़ी लार्ज स्केल के ऊपर है, हम प्रोटेक्शन विंग को इन्फॉर्म करते हैं, प्रोटेक्शन विंग आके उसके कंप्लीट प्री कमीशनिंग टेस्ट जिसको हम वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, उसका ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो मेजर करते हैं, ओपन सर्किट जिसको मैग्नेटाइजिंग करंट वगैरह है वो मेजर करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट करते हैं, फिर इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। ये जब सब कंप्लीट पैरामीटर्स प्रमिसेबल लिमिट के अंदर आ जाते हैं उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि ये ट्रांसफार्मर अब रेडी है फॉर डाइवर्जन के लिए। तो वो इंफॉर्मेशन हम अपने हायर ऑथोरिटीज को देते हैं और उसके बाद में ये कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो आज हमने प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन देने की कोशिश की और एक हल्के तरीके से आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया हमने। अगर इसके बावजूद भी अगर आपके कोई क्वेरीज हों, आपके कोई क्वेश्चंस हों जिसपे आपको कोई डाउट हो किसी भी तरीके का, तो आप उसमें मेरे से मेरे अपने मोबाइल नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर है 9829483355। मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच।